एक नया ऑफिस बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस पीडब्ल्यूडी। ये एक दुईमुख डिवीजन, एक नंबर वन डिवीजन पीडब्ल्यूडी का था कैपिटल रीजन में, तो इसका इसके लिए सबको चिंता है और हम लोग डिपार्टमेंट का तरफ से भी चाह रहा है कि जल्द से जल्द नया ऑफिस हो। जोर से क्लैपिंग कर दीजिए ताकि वेरी यंग एंड इफेक्टिव पंचायत लीडर श्री चुहू बाबू जी, थैंक यू सर। हम तो यही बोलेगा कि द क्रेडिट गोज टू द ऑनरेबल MLA, इनका पेन का वजह से ही कुड मैनेज द फंड जो, और ये भी हम मेरे स्पीच में हमने कवर नहीं किया था कि इसका अभी तक फुल अमाउंट सैंक्शन भी नहीं हुआ, तो ऑनरेबल MLA का एश्योरेंस की वजह से 1.5 करोड़ ही अभी दिया गया है, अनदर 1.5 करोड़ MLA साहब लगा हुआ है, वो भी सैंक्शन हो के जल्दी सैंक्शन हो के आपको पेमेंट वगैरह कर देगा। तो डिपार्टमेंट को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और MLA ऑनरेबल MLA सर को मैं कारण से पाई लेंगे बोलना चाहूँगा कि आपका बागदौर की वजह से आपका बिकॉज ऑफ योर पेन यू हैव टेकन, तो आज ये बिल्डिंग देखने को मिल रहा है एंड ब्यूटीफुल जिम खाना, तो उसको यूज़ करना है सब आप लोग जितना भी हमें इन एंड अराउंड यहाँ जो बैठ रहा है, बस्ती के नाम मुझे पता नहीं बट दोमुख का सब यूज लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा। वेरी ब्यूटीफुल दो बैडमिंटन कोर्ट बन के तैयार हुआ है एंड ब्यूटीफुल जिम डेट टू विथ फुल इक्विपमेंट्स एंड बाहर में एक कल्चर प्रोग्राम करने का भी है, उसका आप लोग इस्तेमाल कीजिए। विद दिस फॉर व्हाट, थैंक यू वेरी मच। पाई लेंग चो। सर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आफ्टर ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद ये बिल्डिंग आज चुकी है, आज जो डिवीजन है सब डिवीजन देखने को मिला है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे और ये जो बना है अभी ऑफिस जो किस तरह से यहाँ का पब्लिक लोग के लिए बेनिफिशियल होने वाला है? ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि आफ्टर 50 इयर्स के बाद हम लोग जब नेपाल समय से लेकर के हम लोग पूरा निर्माण विभाग का जो है हम लोग पूरा वेट किया है और उसके लिए हम लोग सोचा था कि पहले जो सरकार था उन लोग भी देगा बोल करके हम लोग का मुरंग था जब का समय से, फिर उसके बाद तीसरी तल आया, फिर उसके बाद मुरंग पिंच आया, फिर उसके बाद नाबम रवे आया, उसके बाद हम लोग सोचा था कि ये कुछ दैमुख डिवीज़न पक्का ये एक वर्किंग डिवीज़न है और चेंज होगा बोल करके मेरा पूरा होप था, उसके बाद हो भी नहीं हुआ। तो आज हम लोग PWD का डिपार्टमेंट वर्किंग डिपार्टमेंट जो है, तो PWD एक ऐसे डिवीज़न है, ये डिवीज़न से पूरा इंजीनियर लोग जन्म लिया है अरुणाचल में, तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक दैमुख के लिए एक अचीवमेंट है, सारा पब्लिक लोग उसको खुश होना चाहिए और ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटी ये जो डिवीज़न ऑफिस से ही शुरू होता है, जो भी प्रपोजल और जितना भी काम अचीवमेंट करना वो सब होता है, तो इसलिए मैं सारे जितना भी 14 डेवलप का पब्लिक से, तो इसको मैं ये समझता हूँ कि एक अचीवमेंट है और बड़ा अचीवमेंट है और मैं डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि हमारा आज लकी और हम लोग समझता है हमारा चीफ इंजीनियर साहब भी है, SC साहब दो है, इधर हमारा पड़ोसी का SC साहब भी वो है और हमारा हेडक्वार्टर का जो SC जो है जो सारा टेक्निकल को स्क्रूटनी करने वाला हमारा दौलम साहब है, वो सब वो लोग है उन लोग के जो एक ये एफोर्ट डाला है और उन लोग का जो, तो इसलिए मैं इन सभी को डिपार्टमेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो इसके साथ साथ
ये एक ज़मीन जो है, ये एक ज़मीन गायब होने वाला था सिर्फ PWD डिपार्टमेंट से, क्योंकि दैमू में तो एक लैंड माफिया चल रहा है, को लैंड को जहां खाली दिखाई देता है कैप्चर कर लेता है। तो इसलिए मैंने सोचा है ये गायब होने का पहले इसको पूरा अच्छा से यूज करना है बोल करके मैंने प्लान किया है। जब हम MLA जीत के आया तब से हमने सोचा है इसको पूरा ये गायब होने नहीं देना है। ये ज़मीन मिलना आज का ज़माने में बहुत मुश्किल है बोल करके मैंने PWD का एक्शन साहब को बार बार बोला है इसको कुछ तो यूज करना है, और जैसे होने से भी इसको यूज करना है, नहीं होने से ये कुछ दिन का बात फिर हम बाद में पावर में नहीं रहेगा, तो ये शायद लेंथ तो गायब हो जाने से मुश्किल होगा बोल करके मैं इनको बार बार याद कराया, और आज PWD डिपार्टमेंट उस याद को पूरा किया है, और मेरा एक सपना भी था ये साकार कर दिया, थैंक यू उसके लिए। सर आज ऑलमोस्ट आफ्टर 50 कह सकते हैं या 40 ईयर्स के बाद ये ऑफिस बिल्डिंग हम लोग को देखने को मिला है, तो कैसे करके अभी ये जो बिल्डिंग अभी बन गया ऑफिस बिल्डिंग एक प्रॉपर वाला बन गया है, तो कैसे ये दोईमुख में जितने लोग हैं, दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने लोग हैं उनके लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा? या दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑफिस। तो एक ज़माना में PWD ही मदर डिपार्टमेंट था, कंस्ट्रक्शन एजेंसी था अरुणाचल में। तो दिस PWD दोईमुख डिवीजन इज़ फर्स्ट एमोंग वन ऑफ द डिवीजन इन द स्टेट। तो इसका लगभग 50 साल हो चुका है। देन क्या हुआ, 2020 जुलाई में बहुत जोरदार फ्लड आया, तो ऐसा करके मैं भी जस्ट न्यूली ज्वाइन किया था। तब मैंने एक आप लोग का ये जो DMK न्यूज़ में भी एक जस्ट यू कैन रिकॉल, तो हम लोग एक बहुत सोच लिया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी का मोटिवेशन में लोकल लीडर्स को भी अप्रोच किया, गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली इसको हम लोग परस्यू किया। देन ऐसा करके देन वी हैव टू गेट्स द थिंग मूव, देन वी हैव स्टार्टेड विथ आर्किटेक्चरल ड्राइंग। देन आज ये देखने मिला, देर आर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, आई थैंक्स टू माई AEJs एंड माई स्टाफ। सर कुछ डिफरेंस लाएगा क्या पहले जैसा वर्क जो होता था, काम जैसा होता था, उसमें कुछ डिफरेंस आएगा क्या, या फिर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा क्या? यस, नाउ वी हैव कम अप ऑन द ई गवर्नेंस स्टेज। नाउ आवर गवर्नमेंट हैज आल्सो डिसाइडेड दैट ई गवर्नेंस शुड बी एम्पावर और इनकरेज। देन अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ई फाइलिंग को एम्फेसाइज करता है। हमारा ओल्ड ऑफिस में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल जो इंस्टॉलेशंस काफ़ी मतलब डिलापिडेटेड या आउटडेटेड, काफ़ी हमारा कंप्यूटर्स डैमेज हो चुका था। दो सीजन में काफ़ी मुझे तकलीफ उठाना पड़ा, तो शॉर्ट सर्क्यूट एक दो बार हुआ, एक बार ऑफिस में आग भी लगने लगा। देन मुझे बहुत डर लगा कि ऑफिस ना जल जाए, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको जल्द से जल्द करना ही हमारे लिए, एक पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, हम सभी के लिए फायदा है। तो दैट हैज मोटिवेटेड अस, एंड आज हमारा एडवाइजर सर आया, देन MLA सर आया, DC आया, चीफ इंजीनियर आया, ZPC आया, बहुत डिग्निटरीज आया है, एंड वी कुड डू दिस इनॉग्रेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली।